हेलो दोस्तों, दर्शक मित्रों, आप सबका वापस स्वागत है हमारी कम्युनिटी चैनल पे। मैं डॉक्टर ध्वनि शाह आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप लोग ने हमारे चैनल को आप इतना प्रमोट कर रहे हो, इतना आप हमको अच्छा रिस्पांस दे रहे हो। ये स्पेसिफिक चैनल जो हमने बनाई है वो स्पेसिफिक आपके हेल्थ को ध्यान में रख के बनाई है। क्या आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपको हेल्दी रहो, फिट है तो हिट है, तो वही पर्पस से हमने ये चैनल बनाई है। यहाँ सब चीज आपको मुफ्त में हम बता रहे हैं कि भाई आपको कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप कोई एक्सरसाइज कर भी रहे हो तो हमारा यही टारगेट है कि आप वो एक्सरसाइज ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको फर्क पड़ क्यों नहीं रहा है। अगर फर्क पड़ रहा है तो बहुत अच्छी चीज है। आपको कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, कोई भी ज्वाइंट का पेन है या कोई भी मसल्स का पेन है, तो उसमें हमारी तरफ से जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी में करने के लिए तैयार है। तो ये प्रॉब्लम ही डिस्कस करने के लिए हमने ये चैनल बनाई है और आप लोगों का इसमें बहुत ज्यादा अच्छा सा सपोर्ट रहा, साकार रहा है अभी तक का, तो उसके लिए हम बहुत सारा आभारी है। और ये प्लेटफॉर्म का एक सोशल मीडिया का बहुत अच्छा एक अलग बेनिफिट भी हुआ है कि जिसमें जैसे मान लो कि हमारे पुराने 10-15 साल पहले वाले हमारे जो मित्र लोग थे, फ्रेंड सर्कल है, अपने जो नेबर लोग होते हैं, ओके, अपने पुराने पेशेंट होते हैं, तो ये चैनल के माध्यम से आज हम सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हम इतने साल के बाद भी दिल से तो कनेक्टेड रहते ही है, लेकिन इस बार ये चैनल के माध्यम से हम वापस एक दूसरे से बहुत करीब आ गए, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जिसकी जो स्पेशलिटी है ओके उसमें हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, दूसरी बहुत अच्छी चीज है जिससे हम बहुत क्लोज आए, पुराने अपने रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं। मेरे बहुत सारे दर्दी है, बहुत सारे पेशेंट्स है, उसके सारे सब रिलेटिव है। कभी मैंने ऐसे पेशेंट के पास पेशेंट जैसा रखा नहीं है, वो सब मेरे फैमिली मेंबर जैसे ही है अभी तक। तो सभी को वही और आगे भी जो पेशेंट आ रहे हैं, अभी भी जो पेशेंट है, सबसे एक फैमिली जैसा व्यवहार रखा है उसको, खुद को मैं अपने फैमिली मेंबर की तरह ही एक ट्रीटमेंट देता हूँ कि भाई वो अपने फैमिली का मेंबर है, उसको बीमार हुआ है तो कैसे जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट दे के उसको जल्दी से अपने रूटीन लाइफ में वापस लाए। उसके लिए जी जोड़ के मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए क्या क्या नया चीज ढूंढ के लाते, कुछ भी रिसर्च करके उसको ट्रीटमेंट देके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सारवार पहुंचाते हैं। तो अभी आज का ये वीडियो बनाने का मेन टारगेट यही है, सबको थैंक्स बोलने का। और दूसरा चीज जो आपने आज जो एक्सरसाइज देखा, घुटने का एक्सरसाइज के पहले करने वाला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देखा, तो मेरे कहने का मतलब कल भी जाके नया वीडियो देखोगे घुटने की एक्सरसाइज, उसके बाद आएगा और नया वीडियो आएगा अलग जॉइंट की एक्सरसाइज का। तो सभी एक्सरसाइज में एक चीज में कहना चाहूंगा, पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी एक्सरसाइज करो तो ये जो एक्सरसाइज बताई गई है वो जनरल एक्सरसाइज है, ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के रिलेटेड नहीं बनाई है। तो आपको मान लो कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक रोग है या कोई स्पेसिफिक जगह आपका, कोई लिगामेंट का या कोई घुटने का, अंदर का, बाहर का, ढक्कन का प्रॉब्लम है, तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम में एक्सरसाइज थोड़ी अलग रहती है। अगर आपको कोई भी बताई गई एक्सरसाइज में कहीं भी पेन होता है तो वो वाली एक्सरसाइज छोड़ दीजिए, वो वाली एक्सरसाइज आप अपने फिजियोथेरेपी या डॉक्टर को बता के फिर कीजिए, शायद वो एक्सरसाइज आपके लिए करने का तरीका कुछ अलग भी हो सकता है, तो जिससे आपको वो पेन ना हो। यहाँ जो एक्सरसाइज बताई गई है वो जनरल पॉपुलेशन को ध्यान में रख के बताई गई है, तो ये एक्सरसाइज पेन वाले भी कर सकते हैं, बिना पेन वाले भी कर सकते हैं। बिना पेन वाले करने में एक बहुत बड़ा फायदा वही है कि अगर आपको अभी कोई दर्द नहीं है, घुटने ठीक है, आपका और कोई जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो जॉइंट की एक्सरसाइज आप अभी से कर रहे हो तो आगे जाके वो जॉइंट का प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो अभी से उसको मेंटेन करो, उसको फिट रखो, मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बना के रखो। क्योंकि आपको पता है कि हमारे मेडिकल में एक लाइन बोलते हैं कि बोन हैज द एज बट मसल्स डज नॉट हैव द एज। उसका मतलब वो हुआ कि आपकी हड्डियों की एज होती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो हड्डियों के घिसाई होने ही वाली है, हड्डियां कमजोर होने ही वाली है। लेडीज लोगों में मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस आने ही वाला है, हड्डियों में से कैल्शियम विटामिन डी की कमी होने ही वाली है, हार्मोनल चेंजेस होने ही वाले, तो आगे जाके आपको हड्डियां तो वीक होने वाली है। तो अभी हड्डियां वीक हो जाएगी तो हो सकता है कि आपको जॉइंट का पेन आने वाला है, जॉइंट का पेन आएगा तो हो सकता है जॉइंट की घिसाई भी आएगी। तो अगर वो सब स्टेज को आपको रोकना है तो एक तरीका है जो है मसल्स, मसल्स यानी अपने स्नायु। अगर मसल्स को आप स्ट्रांग रखो तो आपको आने वाली जो घिसाई का है, एजिंग का चेंजेस है,
बोन्स जो वीक होने वाले हैं, आपके हड्डियों में से कैल्शियम विटामिन डी की कमी जो होने वाली है, उसके होने के बावजूद आपको जॉइंट पेन नहीं आए, उसके लिए आपको मसल्स को स्ट्रांग रखना है। क्योंकि मसल्स को स्ट्रांग रखोगे तो आपके जॉइंट पे आने वाला जो भी लोड है, बॉडी वेट का लोड है या काम करते हो उसका लोड है, एक्टिविटी का लोड है, ऑक्यूपेशन जॉब का लोड है, तो वो सब लोड जो रहेगा आपका बॉडी का वो पूरा मसल्स ले लेगा। मसल्स अगर जो ले लेता है तो वो जॉइंट तक पहुंचेगा ही नहीं, और जॉइंट तक अगर लोड पहुंच ही नहीं रहा है तो फिर वो आपको स्पाइन हो या आपके जॉइंट्स हो या पांव के घुटने हो, थापे हो, पंजे हो, कोई भी बॉडी का जॉइंट हो, अगर वहां जॉइंट पे जोर पड़ ही नहीं रहा है, वो पूरा जोर अगर मसल से ले रहा है, तो आपको कभी वो जॉइंट का प्रॉब्लम आने नहीं वाला है। इसलिए तो बोलते हैं कि कुछ लोग है जो 65 इयर्स पे भी दौड़ते घूमते फिरते हैं बिना दर्द के, अपनी अच्छी से लाइफ इंजॉय करते हैं, और कुछ लोग है जो 35-40 साल में अभी से ये दर्द हो गया, वो गद्दी खिसक गई, ये जॉइंट में पेन आ गया, छोटी उम्र में भी पेन आ जाते हैं, मसल्स का प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसका रीजन एक ही है कि आपने सर खाने पीने में ध्यान दिया, साथ अपने बॉन्स तो मेंटेन किया, लेकिन आपने मसल्स को स्ट्रांग नहीं रखा, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम बहुत और छोटी एज में भी आ सकते हैं, और या तो आपकी सेम एज के लोगों में आपको प्रॉब्लम आएगा, दूसरी एज को नहीं आता। इसका ये रीजन भी यही है कि कहीं ना कहीं आपके वो मसल्स वीक पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन तो एक ही है कि आपके मसल्स को स्ट्रांग रखना है, और आज तक दुनिया में ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं है कि जो आपके मसल्स को स्ट्रांग रखे। उसका एक ही इलाज है कि मसल्स का वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज इसलिए यानी ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे हाथ कर दिया, किसी का वीडियो देख के एक्सरसाइज बना के कर ली और उसमें आपको कोई इंजरी हो सकती है, या तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है, पेन बढ़ भी सकता है। तो आपको कुछ एक्सरसाइज तो पहले डॉक्टर के साथ सीखनी है, फिजियोथेरापी के साथ सीख लो, एक्सरसाइज का प्रॉपर ट्रेनिंग ले लो, और फिर वो एक्सरसाइज आप घर पे करो। तो हर एक्सरसाइज में आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं एक्सरसाइज देख के कर लूंगा तो फिट हो जाऊंगा। साथ आपकी एक्सरसाइज में, आपके करने के एंगल में, करने की पोजीशन में कुछ भी रॉन्ग होता है, सामने वाला कोई आपको आपकी मिस्टेक नहीं बताएगा, तो आप वही रॉन्ग करते रहोगे और आप बोलोगे एक्सरसाइज इफेक्ट नहीं कर रही है, या तो एक्सरसाइज तो कर ही रहा हूँ इतने टाइम से तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी समझो कि आपकी कोई टेक्निक में या आपकी कोई एक्सरसाइज करने के तरीके में, पोजीशन में, हैंडलिंग में, आपके हाथ पांव रखने की पोजीशन में कहीं गलती हो रही है। तो फिजियोथेरेपी की ब्रांची इसके लिए कि आप लोगों को मसल्स का, बोन्स का, लिगामेंट्स का प्रॉपर आपको ध्यान दे, आपको प्रॉपर सिखाए कि ये तरीके से करो, ज़्यादा इफेक्टिव है, एनर्जी भी बचेगी, रिपीटेशंस भी कम करने पड़ेंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, कुछ ही लिमिटेड एक्सरसाइज करके आप अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हो। तो ये चैनल का एक दूसरा बहुत बड़ा फायदा है कि आप अपना हर प्रॉब्लम, आपके जॉइंट प्रॉब्लम के रिलेटेड भी हो, आप हमको मैसेज कर सकते हो, तो उसकी एक्सरसाइज भी हम आपको बताने का कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे। और ये चैनल है कि एक ही इसकी चैनल की एक ही फीस है, इसकी फीस है कि बस आपका ब्लेसिंग बना रहे, यही हमारी फीस है। ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़ना है, सबको हेल्दी रहना है, हेल्थ को प्रायोरिटी देना है, हेल्थ इज द फर्स्ट, तो हेल्थ है तो सब कुछ है, फिर मनी कम सेकेंडरी। और आज के जमाने में प्रॉब्लम किसको नहीं है, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल स्ट्रेस है, किसी को फिजिकल स्ट्रेस है, सबको किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस, स्ट्रेन, पेन तो है ही। तो अगर हमको एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे बॉडी में से ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं जो अपने बॉडी को हैप्पी रखते हैं, मेंटल स्ट्रेस कम करते हैं, डिप्रेशन कम करते हैं, बॉडी का जो पूरा दिन का जो हमारा वर्कलोड होता है, जो बॉडी का स्ट्रेन होता है, उसको रिड्यूस करते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज के साइंटिफिक एक हेल्प ये भी है कि अच्छे हॉर्मोन्स, गुड हॉर्मोन्स बोलते हैं, इसको ही रिलीज करता है, तो आपका बॉडी का फिजिकल मेंटल स्ट्रेस को भी ये कम करता है। यानी इसलिए एक्सरसाइज को रेगुलर रूटीन बनाना बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। और दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप एक्सरसाइज करते हो ना तो उसको एक पनिशमेंट की तरह मत लो, अरे यार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अभी तो दुख रहा है तो करना तो पड़ेगा ही, ऐसे पनिशमेंट करके मत लो, एक्सरसाइज को इंजॉय करो, एक्सरसाइज फॉर योर गुडनेस, तो हैप्पी हैप्पी करो। हर एक्सरसाइज के बीच में डीप ब्रीदिंग करो, लंबी सांस लो, लंबी सांस निकालो, आराम से ब्रेक देख देख के करो, ओके, और एक्सरसाइज को इंजॉय करो, कंसंट्रेट करके करो, प्रॉपरली करो, थोड़ा करो,
लेकिन अच्छा करो, परफेक्ट करो। चाहे 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, 10 मिनट करो, लेकिन अच्छे से इंजॉय करके करो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच अगेन। आगे बहुत सारे हमको सीखना है, बहुत सारे एक्सरसाइज करना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो उसके लिए चैनल बनाई है। तो आपके ऐसे ही साथ सरकार बना दे रहे हो, हम आगे जाके लंबी जर्नी, ऐसे लॉन्ग जर्नी रन, तो इसमें हम दोनों साथ में मिलके, हम सब साथ में मिलके ये काम को आगे बढ़ाएंगे। भगवान का आशीर्वाद हमारे पास बना रहे और सभी ठीक रहे, हम डॉक्टरों से थोड़ा दूर रहे ज्यादा अच्छा है, और दूर रखने के लिए ही ये चैनल बनाया है कि सब हेल्दी और फिट रहे, तो आगे जाके आपको कोई इंजेक्शन, सर्जरी, दवाइयों के खर्चे में नहीं पड़ना है। तो हमको नेचुरल तरीका, विदाउट मेडिसिन का तरीका, विदाउट साइड इफेक्ट का तरीका एक्सरसाइज है, उसको ही फॉलो करके आगे हेल्दी और फिट रहना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच अगेन सबको ज्वाइनिंग दिस चैनल, और थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा।